मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर साइक्रोमेट्रिक चार्ट किस तरह से नंबर ऑफ प्रोसेसेस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझाने वाला हूँ मैं आज आप लोगों को। तीन प्रोसेसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग और तीसरा होगा बाईपास फैक्टर, जो कि मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा। ये तीनों प्रोसेस बेसिकली साइक्रोमेट्रिक की ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम लोग या तो मॉइस्ट है, मॉइस्ट एयर मतलब कि एटमॉस्फेरिक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, मतलब डेफिनेटली आप लोग आपकी एटमॉस्फेरिक एयर को मॉइस्ट एयर कह सकते हो। तो ये जो मॉइस्ट एयर होगी, इस मॉइस्ट एयर के अंदर अगर आप लोगों को कूलिंग करना है तो आप लोगों को क्या मिलेगा टेक्निकली, और अगर आप लोगों को मॉइस्ट एयर के अंदर हीट ट्रांसफर करनी है, हीटिंग करना है, तो आप लोगों को टेक्निकली क्या मिलेगा, वो चीज हम लोगों को आज यहाँ पर समझनी है। और ये प्रोसेस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करनी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैंने साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपको चलाया था, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था। इतना याद रखो कि अगर वो प्रोसेसेस आपको याद है, जैसे कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ एंड ओ जी, ये सात प्रोसेस अगर आप लोगों को याद है तो आप इजीली सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग के लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ कर पाओगे। एंड अनदर थिंग, जब आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो एग्जाम्पल के अंदर भी आप लोगों को इतना टेक्निकली आइडिया जरूर आएगा कि ये एग्जाम्पल सेंसिबल कूलिंग का है कि सेंसिबल हीटिंग का है, और उसी के बेस पर आप लोगों का साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो आप रिप्रेजेंट करने वाले हो एग्जाम के अंदर वो सही है या गलत वो आपको पता चलेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, सेंसिबल कूलिंग। नाउ द टर्मिनोलॉजी से एवरीथिंग, कूलिंग है मतलब आप लोगों को कूलिंग प्रोसेस करनी है, मॉइस्ट एयर को कूल करो, ठंडा करो, सेंसिबल हीट उसकी रिमूव करो, द हीट शुड बी रिमूव अप टू द सेंसिबल लिमिट, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस मतलब सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। As you can see from the diagram, आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि जब सेंसिबल कूलिंग आप लोगों को करना है तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन समझा दूं, करना है कि एक डक्ट हम लोग लेंगे, उस डक्ट के अंदर हम लोग एक कूलिंग कॉइल रखेंगे, as you can see this is your cooling coil, और डक्ट के एक साइड में से हम लोग एटमोस्फेरिक एयर को एंटर करवाएंगे और दूसरे साइड से आप लोगों की मॉइस्ट एयर बाहर निकलेगी, लेकिन इनसाइड द डक्ट your atmospheric air or your moist air will have a surface contact with your cooling coil. वो cooling coil के साथ में क्या करेगा? Surface contact करेगा। Cooling coil जो होगी उसके अंदर हम लोग refrigerant को flow करवाएंगे, as you can see from the figure. ठीक है, now you know that the temperature of the refrigerant will be so much low when compared to your temperature of air. जो भी इनलेट में आपका टेम्परेचर जो भी इनलेट में आपकी एयर आ रही है उसका जो टेम्परेचर होगा उसके कंपेयर में आपके रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर काफी लो होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जो भी एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर हम लोग हमारे डक्ट के अंदर एंटर करवा रहे हैं, लेट्स से उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, और जो भी रेफ्रिजरेंट आपका रन कर रहा है आपके कॉइल के अंदर, लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ दैट कूलिंग कॉइल इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट विल हैपन, because of this heavily temperature difference between these two, the heat will be transferred between these two, heat transfer होने की वजह से आपके air का temperature little bit decrease होगा, और outlet में आपको जो air मिलेगा, let's say the temperature of that outlet air is TD2, TD1 is the temperature of your inlet air, TD मतलब dry bulb, ठीक है, TD dry bulb temperature, 1 मतलब inlet के लिए, dry bulb temperature for inlet air, TD2 dry bulb temperature for outlet air, TD3 dry bulb temperature for cooling coil, cooling coil का dry bulb temperature, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर dry bulb temperature consider करना है, wet bulb नहीं, यहाँ पर आपका जो thermometer होगा ordinary thermometer लेकर के चलना है, wetted wick वाला नहीं लेकर के चलना है। तो इतना आप लोगों को एक idea आएगा कि TD1 was much greater than, TD2 उससे lower था और TD3 सबसे lower है, तो you can say that TD1 is greater than TD2 is greater than TD3. TD3 मतलब कि आपकी cooling coil का temperature, जिसका temperature बहुत ही कम होगा, जब वो heat transfer करेगा तब इसका temperature बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि वो outlet air के equal हो। अगर वो आउटलेट एयर के इक्वल हो रहा है इसका मतलब ये कि आपकी जो कूलिंग कॉइल है दैट इज 100% इफेक्टिव। नाउ
बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट कुछ इस तरह से कि जब मॉइस्ट है हम लोग कूलिंग कॉइल के ऊपर हम लोग ट्रांसफर करवाते हैं, जब वो हीट ट्रांसफर होता है तो क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है कि जो एटमोस्फेरिक एयर आपका अंदर जा रहा है द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विल बी डिक्रीज, क्योंकि हम लोगों को वही करना है, ठीक है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ योर एटमोस्फेरिक एयर विल बी इंक्रीज, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड द लास्ट वन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कॉन्स्टेंट। एक मार्क एमसीक्यू कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो ना, तीन में से को एक सवाल आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस व्हाट विल हैपन। सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस के अंदर मान लो आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछ दिया तो आप लोगों को ऑप्शन देंगे ए विल बी लोअर, दूसरा विल बी ग्रेटर, सी कॉन्स्टेंट, फोर नन ऑफ अबोव। इस तरह से आपको ऑप्शन करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो याद रखना कि जब सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस है एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ योर एयर विल बी डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कॉन्स्टेंट। क्लियर? नाउ अब हम लोगों को जब आप लोग एटमोस्फेरिक एयर को आपके कूलिंग कॉइल के सरफेस के ऊपर ले आओगे तो होता क्या है, जनरली चांसेस ये होते हैं कि एटमोस्फेरिक एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर आपके कूलिंग कॉइल के ऊपर क्या हो सके, चिपक जाए, क्योंकि वो वेटेड पार्टिकल है तो चांस है कि वो कूलिंग कॉइल के साथ में क्या आ जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो करना क्या होता है कि आप लोगों की कूलिंग सरफेस इस तरह से होनी चाहिए कि मॉइस्चर कंटेंट उसके ऊपर जमा नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट जमा हो गया तो वो थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, मतलब वो हीट ट्रांसफर करने नहीं देगा। तो इस तरह से क्या करना है कि हम लोगों को कूलिंग कॉइल के सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा रखना है कि जिसकी वजह से आपके मॉइस्चर उसके ऊपर बिल्कुल भी चिपके नहीं या स्टिक ना हो। तो क्या किया जाता है, द सर्फेस ऑफ द कूलिंग कॉइल शुड बी ड्राई। आपकी कूलिंग कॉइल का जो सर्फेस होता है वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई होगा, दूसरी चीज ये जो सर्फेस टेम्परेचर होगा कूलिंग कॉइल का डेट शुड बी ग्रेटर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर। अगर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस आपका मॉइस्चर जो होगा वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। क्लियर? नाउ वट एवर द हीट इज ट्रांसफर्ड, हम लोगों ने यहां पर क्या हीट ट्रांसफर की, मतलब आपकी एयर ने कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट की है। एटमोस्फेरिक एयर टेम्परेचर ज्यादा था, जब वो कूलिंग कॉइल के साथ में हीट ट्रांसफर कर रहा है तो डेफिनेटली द टेम्परेचर द हीट विल बी रिजेक्टेड बाय द एटमोस्फेरिक एयर। तो वो जो एटमोस्फेरिक एयर है, जो मॉइस्ट एयर है, उसने कितनी हीट रिजेक्ट की, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द एयर इज द समेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय ड्राई पार्टिकल प्लस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय वेट वेपर। आपकी मॉइस्ट एयर के अंदर और आपकी कूलिंग कॉइल, इन दोनों के बीच का समेशन, मतलब मॉइस्ट एयर के अंदर जो भी ड्राई पार्टिकल थे उसने कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट की और उसी मॉइस्ट एयर के अंदर जो वेट वेपर था उसने कितनी हीट एनर्जी कूलिंग कॉइल के साथ में रिजेक्ट की, उन दोनों का समेशन, मतलब आप लोगों का टोटल हीट रिजेक्शन बाय योर एयर, ठीक है। तो जो ड्राई पार्टिकल होता है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपीए टीडी1 माइनस टीडी2। नाउ ये टीडी1 माइनस टीडी2 कैसे आया, जिसके लिए हम लोगों को साइक्रोमेट्रिक चार्ट समझना पड़ेगा। नाउ यू सी, मैंने पहले ही बोला टीडी1 विल बी मच ग्रेटर देन टीडी2 TD3, TD2, TD3 से सबसे ज्यादा होगा, मैंने जो एग्जांपल दिया। तो अगर आप, और वो भी ड्राइबल टेम्परेचर है, तो अकॉर्डिंग टू साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमारा ये जो एब्सिसा होता है यहाँ पर हम लोग ड्राइबल टेम्परेचर को डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो ड्राइबल टेम्परेचर मैंने पहले बोला, लेट्स से TD1 आपका 35 डिग्री सेल्सियस है, तो मान लो यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस आया। क्लियर? नेक्स्ट TD3, TD2, अभी TD2 क्या है, TD2 is the outlet temperature of air, मतलब जब cooling coil के साथ में उसने heat transfer की, the little bit heat energy will be rejected by the air, तो उसने जो heat energy reject की, let's say the temperature of the TD2 is 28 degree Celsius, TD3 cooling coil, refrigerant, whatever the refrigerant is circulating inside the coil, let's say the temperature of this coil is 18 degree Celsius, क्योंकि ड्राइबल टेम्परेचर आपके एब्सिसा पर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डेफिनेटली, क्योंकि यूनिफॉर्मली स्पेस होता है, तो TD1 विल बी ओवर हियर, TD2 विल बी ओवर हियर एंड TD3 विल बी ओवर हियर। सो यू कैन से दैट योर प्रोसेस इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आपकी प्रोसेस कुछ इस तरह से जा रही, यू कैन सी। और साइक्रोमेट्रिक की प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताई थी, this was your O A B C, sorry
सी एंड डी लाइक दिस. हम लोगों ने साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस देखी थी लास्ट टाइम पे. तो ओबी अगर वो सेंटर से लेफ्ट साइड, मतलब कि आपके राइट से लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसको हम लोग सेंसिबल कूलिंग नाम देते थे. मेरे लास्ट लेक्चर के वीडियो में देखना आपको, मैंने लास्ट में समझाया, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के लास्ट में समझाया हुआ है. वही चीज यहाँ पर हो रही है. योर प्रोसेस इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब कि वो सेंसिबल कूलिंग हो गया. क्लियर? तो ये जो सेंसिबल कूलिंग है, इस सेंसिबल कूलिंग का साइक्रोमेट्रिक चार्ट, एंथाल्पी अगर चाहिए तो मैंने पहले ही बोला था, जो वेट बल टेम्परेचर की लाइन होती है उसके पैरेलल आपको आपकी स्केल रखनी है, और ये जो पॉइंट आपको मिला टेम्परेचर पे उसको खींच देना है एंथाल्पी की लाइन तक. तो आप लोगों को एंथाल्पी मिल जाएगी पॉइंट वन के ऊपर, एंथाल्पी एच वन एच टू एच थ्री. एंड ओवर हियर योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कॉन्स्टेंट. अगेन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का सिंबल होता है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, दैट इज कॉन्स्टेंट ओवर हियर. You can see your relative humidity will increase. Relative humidity percentage में होता है. जैसे आप saturation curve की तरफ जाओगे, definitely आपकी relative humidity बढ़ेगी, क्योंकि saturation curve पर आपकी relative humidity 100% होती है. ये देखो आप one set ऊपर जाओगे आपकी relative humidity बढ़ने वाली है. You can see from the graph your relative humidity is again increasing from 1 to 2, from 2 to 3. 3 का तो कोई मतलब भी नहीं क्योंकि cooling coil है. Main तो हमारे लिए TD1 और TD2 है. क्लियर? तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बेस पर भी आप अपना टेक्निकल डेटा याद रख सकते हो. क्लियर? नाउ द फॉर्मूला, व्हाट एवर द फॉर्मूला, कितना हीट रिजेक्ट किया है सेंसिबल कूलिंग के प्रोसेस में. सीपीए टीडी1 माइनस टीडी2 फॉर ड्राई पार्टिकल प्लस डब्ल्यूसीपीएस टीडी1 माइनस टीडी2 फॉर वाटर वेपर, मतलब के वेट वेपर, क्योंकि वेट वेपर है दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर ओवर हियर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर वेपर. सिंपलीफाई करो, TD1 minus TD2 will be common out. क्या बचा? CPA plus W into CPS. Now CPA plus W into CPS मतलब CPM. That CPM means what? Humid specific heat, total specific heat मतलब dry air और wet vapor दोनों का combination. And that value is 1.022 kilojoule per kilogram Kelvin. So you can see 1.022 kilojoule per kilogram Kelvin. यहाँ पर temperature भी है. तो केल्विन केल्विन विल बी कैंसिल आउट. क्या बचेगा? 1.022 TD1 माइनस TD2 किलो जूल पर किलोग्राम. क्लियर? नाउ द मास फ्लो रेट, कितना मास हम लोग हमारे कूलिंग कॉइल के साथ में स्ट्राइक करवाने वाले, व्हाट एवर द मास, दैट शुड बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला MCT, MC डेल्टा T यू कैन से, हीट ट्रांसफर का फार्मूला, द Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. नाउ M इज द मास फ्लो रेट, M मतलब रो इनटू V, डेंसिटी इनटू मास फ्लो रेट ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी कितनी होगी वो, और मास फ्लो रेट कितना होगा वो, यही एम की वैल्यू हम लोग यहां पर रखने वाले हैं. दैट 1.2, दैट इज 1.2 इनटू V, 1.2 इनटू V मास फ्लो रेट ऑफ एयर, डेंसिटी कितनी होगी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ फ्लो एयर मतलब कि एयर फ्लो रेट कितना है. क्लियर? और सीपीएम इनटू टीडी1 माइनस टीडी2 वो तो वैल्यू है आपके पास, दैट इज 1.022 टीडी1 माइनस टीडी2, मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 1.2264 इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू टीडी1 माइनस टीडी2 किलो जूल पर सेकंड. सिंपलीफाई करोगे आप लोग जब यूनिट रखोगे तो आपको फाइनल यूनिट मिलेगा किलो जूल पर सेकंड. तो आप क्यू को आप किलो जूल पर सेकंड को आप किलो वाट भी बोल सकते हैं. तो आप लोगों को मास फ्लो रेट मिल गया. क्लियर? नाउ जस्ट लाइक दैट सेंसिबल हीटिंग बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह, सिर्फ एक चेंज के हम लोग कूलिंग कॉइल ले रहे थे जहां पर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट हो रहा था, यहां पर हम लोग हीटिंग कॉइल लेंगे जहां पर या तो आप स्टीम को फ्लो करवाओगे या तो फिर हॉट वाटर को फ्लो करवा सकते हो या फिर आप इलेक्ट्रिक हीटर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को हीटिंग करना है. इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में सबको पता है, ड्यूरिंग दी विंटर सीजन हम लोग पानी गर्म करने के लिए हीटर का यूज करते हैं. यू कैन सिचुएट ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी हीटर का यूज कर सकते हैं. हीटर पर हीटर की कॉइल लगा दो, दैट्स इट. ये वही चीज है. करना क्या है, डक्ट है, डक्ट के अंदर से हम लोग एटमोस्फेरिक एयर को एंटर करवाएंगे, ठीक है. लेट्स से TD1 द इनलेट टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है, सेंसिबल हीटिंग है, सेंसिबल कूलिंग से रिवर्स. सेंसिबल कूलिंग की डेफिनेशन इतनी थी कि मॉइस्ट एयर को सेंसिबल लिमिट तक कूल करना है, तो सेंसिबल कूलिंग था. सेंसिबल हीटिंग के अंदर इतना है कि मॉइस्ट एयर को सेंसिबल लिमिट तक हीट करना है, तो वो सेंसिबल हीटिंग हो जाएगा. एटमोस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर,
मॉइस्ट एयर इन, लेट्स से द इनलेट टेम्परेचर फॉर मॉइस्ट एयर इज टी डी वन, टी डी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ इनलेट मॉइस्ट एयर, टी डी टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ आउटलेट एयर, टी डी टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ आउटलेट एयर, टी डी थ्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉइल, टी डी थ्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल का ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगेन लेट्स कंसीडर के जो इनलेट एयर है उसका टेम्परेचर है लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस, और जो हीटिंग कॉइल है लेट्स से उसका टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो वाइल हैविंग एन हीट ट्रांसफर, क्योंकि आपके एटमोस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर जो होगी वो हीटिंग कॉइल की सरफेस के साथ में मैक्सिमम सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बनाएगा, सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बनाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होगी। लेट्स से आउटलेट में आप लोगों को जो एयर मिल रही है उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो यू कैन से दैट योर टी डी थ्री इज ग्रेटर देन टी डी टू इज ग्रेटर देन टी डी वन, मतलब टी डी वन इनलेट में एयर का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ही कम है, आउटलेट में जो एयर का टेम्परेचर होगा वो उसका टेम्परेचर हीटिंग कॉइल से कम है और हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ टी डी वन हैज द लेजर वैल्यू देन टी डी टू एंड टी डी थ्री, बिल्कुल इसकी तरह क्लियर, क्योंकि आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू एक्सिस के ऊपर आएगी। यहां पर भी सेम प्रोसेस होगी सेंसिबल कूलिंग की तरह, दैट सिर्फ सिर्फ फर्क इतना कि कूलिंग था तो यहां पर हम लोग मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर कम कर रहे थे, यहां पर हीटिंग है तो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर डेफिनेटली विल इंक्रीज, बाकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है, सॉरी यहां पर इंक्रीज हो रही है तो यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब आप 1 से 2 में जाओगे सैचुरेशन कर्व से दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज, एज यू कैन सी फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगेन विल रिमेन कांस्टेंट, क्लियर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसमें भी कांस्टेंट है इसमें भी कांस्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट इफ द कॉइल इज 100% इफेक्टिव, जैसा कि मैंने यहां पे समझाया बिल्कुल वैसे, अगर आपकी कॉइल चाहे वो सेंसिबल कूलिंग हो चाहे वो सेंसिबल हीटिंग हो, अगर आपकी कॉइल 100% इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव का मतलब ये हुआ देयर इज नो हीट लॉस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर आपके हीटिंग कॉइल का होगा वही टेम्परेचर आपके आउटलेट आयर का होगा, और वही चीज कूलिंग कॉइल के लिए, जो टेम्परेचर आपके कूलिंग कॉइल का होगा द सेम टेम्परेचर विल बी ऑफ एन आउटलेट एयर फ्रॉम द कूलिंग कॉइल, क्यों, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है दैट योर कॉइल इज 100% इफेक्टिव, प्रैक्टिकली आपको पता है कि इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन कंसिडरेशन के लिए जिस तरह से हम लोग आइडियल इंजिन कंसिडर करते हैं 100% एफिशिएंसी वाला, वैसे ही हम लोगों ने कूलिंग और हीटिंग कॉइल को सिर्फ कंसिडर किया है 100% इफेक्टिव 100% इफेक्टिवनेस के साथ में, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नाउ द सेम थिंग सेंसिबल हीटिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, यहां पर क्या था, हीट रिजेक्टेड बाय द ड्राई एयर प्लस हीट रिजेक्टेड बाय द वाटर वेपर, यहां पर क्या होगा, हीट गेन या हीट एब्जॉर्ब बाय द ड्राई पार्टिकल प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर, क्योंकि मॉइस्ट एयर है तो ड्राई पार्टिकल और वाटर वेपर दोनों होंगे, दोनों के दोनों पार्टिकल आपके हीटिंग कॉइल के साथ में हीट ट्रांसफर करेगा और दोनों के दोनों पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करेंगे, टी डी टू माइनस टी डी वन, क्यों, बिकॉज टी डी टू इज ग्रेटर देन टी डी वन, यहां पर क्या था, टी डी वन वॉज ग्रेटर देन टी डी टू, दैट्स व्हाई टी डी वन माइनस टी डी टू लेते थे, ये याद रखना, सिर्फ इतना से चेंज है, टेक्निकली सोचो तो पता चल जाएगा कि यहां पर हमारी प्रोसेस राइट टू लेफ्ट हो रही थी, वो सेंसिबल कूलिंग था, अब क्या है, आपकी प्रोसेस ओ टू ए जा रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है, दिस वे यू कैन सी, और ये सेंसिबल हीटिंग होता है, सिंपल बोलूं मैं टेक्निकल लैंग्वेज में हीट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज में हीट ट्रांसफर करोगे तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कि हीट आपकी इस तरह से ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर होता है एक्सिस पे, कोई भी ग्राफ हो आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर आपको राइट साइड की तरफ जाना पड़ता है तभी आपको वैल्यू ज्यादा मिलती है, ये वही हो रहा है, सेम चीज यहाँ पर, अगर आप एक्स एक्सिस के ग्राफ पर राइट टू लेफ्ट जाओगे मतलब कि आपकी वैल्यू कम होते जा रही है, तो वह यहाँ पर हो रहा था, ठीक है, मतलब वैल्यू कम हो रही है तो सेंसिबल कूलिंग, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है तो सेंसिबल हीटिंग, क्लियर। तो टी डी टू माइनस टी डी वन हम लोग कॉन्स्टेंट ले लेंगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे, बच्चा क्या सी पी ए प्लस सी पी एस डब्ल्यू, बिल्कुल इसकी तरह,
दैट सीपीए प्लस सीपीएसडब्ल्यू मतलब सीपीएम क्या था, क्यूबिट स्पेसिफिक हीट, क्या वैल्यू थी 1.022 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, वैल्यू यहां पर रख दी TD2 माइनस PD1 किलो जूल पर किलोग्राम, या केल्विन विल बी कैंसिल आउट। सीपीएम मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबिट स्पेसिफिक हीट 1.022 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये सेंसिबल कूलिंग सेंसिबल हीटिंग की थ्योरी थी। 3 मार्क्स के लिए दोनों में से कोई भी एक थियरी आपको पूछी जा सकती है। अगर सेंसिबल कूलिंग सेंसिबल हीटिंग नहीं है तो तीसरी थियरी आएगी बाईपास फैक्टर, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप दोस्तों को आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।